इब्राहिम साहब, शुरुआत अवां खां कयूं था। मुझे सवाल यो ही होंद हि जो एतरो वक्त जाया किया वो जैसे पीटीआई की हुकूमत हुई तदें भी उन्होंने मीसा के मईशत बू मुख्तलिफ ऑफर्स थी हुई पर उन्होंने ठुकराए छूँ। बाद में जैसे पीडीएम की हुकूमत ठही तदें भी गाल उन्होंने वो अवे याद हों पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के मामले से भी गाल शुरुआत भी थी हुई पर वरी वे गाल अगत न बधी सकूँ वरी वो पुराना मौक़ दोहराया वो हि चोर आन धाड़ेल गाल कहीं हाँ जो पीटीआई गाल राजी थी है उनके अवं कें ऐसो समझो तो इन गाल सबब उन्होंने महसूस थी वो है टकराव वाली पॉलिसी से उन्होंने नुकसान पो थे मौजूदा जो हुकूमत है या जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके झुकाए नो सकते उन गाल तरफ अचन था या सबब अवे ख्याल में नसी साहब बिल्कुल वक्त जान है वो सियासी तारीख होंगी उन्हें वक्त की अहमियत बिल्कुल होंगी पर जैसे अड़ी का पोजिशन होंगी जैसे दानिशमंद सोच रख क्यादत होंगी वक्त जो इंतजार जरूर कही है पीटीआई जो ही जो फैसलो है जैसे यो फैसलो हकीकी फैसलो है या जो सो गाल करो वो नियतन जो सो फैसलो नेक नियतन नेक नियति से फैसलो किया है तो उन्हें जी आजान थे घुर्ज बिल्कुल पर उन्हें गड पेरी गाल है यो तमाम सुनो फैसलो है छाकर जो इन मुल्क में रही इन पॉलिटिकल सिस्टम में रही करे तमाम जो सो वो अकेले सिर घेरो ना कर सको वक्ता है तो या जो सो वो बुदबराणो फैसलो उन्हें करे आए जो जब तवजो जो सो पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वह उही सियासी जमातू हैं जिन सो सो वेही ताल करें में निजाम की बेहतरी खोले सकोता तो आ समझा तो देर आयत दुरुस्त आयत जो भी पीटीआई के चेयरमैन बल चेयरमैन या बाहर जो चेयरमैन आयत नहीं जो फैसलो किया वो फैसलो दुरुस्त फैसलो है आ समझा तो उन्हें जो थे वो नतीजा इंदर में बी गाल जो सो फैसलो जो थो में यो बिल्कुल दिसन घुर्ज तरीके इंसाफ जो सो कदम पोते वह एन मुमकिन उन्हीं के जो सो इंदर वक्त में चार कदम अगते बढ़ने जो मौको मिले तो इनमें बिल्कुल पीटीआई के यो तस्लीम करनो पवो मौजूदा गवर्नमेंट के मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के इनमें को शक को पीटीआई यो फैसलो किया है तो यह शे जहन में रखी होंगी तो बजट पास थे पी सु यानी पेश थे पी अज उन पेरों मरण जो सो वो इकोनॉमिक सर्वे जो सो सामू अची वो है घोड़ घमसान बावजूद जो बजट मंजूर थी वी वजीर आजम में आर बी चीज जो चीन जो दौरो हो वो दौरो तकरीबन कामयाब भी वो है तो आस्ते आस्ते शयू जो उनके इमरान खान जो सो रियलाइज किया है जरूर तो हि जो उन सपा मयान में तलवार कटी अकेले सिर बी रो तो वह हिकमत अमली है जो कामयाब कटे तौर पर नी बहरहाल उन बी हिकमत अमली चाही है सियासी पार्टी से गाल हवाले से उन में अना खदशा जरूर मौजूद है छा जो पॉइंट्स से गाल आया गाल रुगो इन पॉइंट से थी तो मुख्य बाहर कड़ो या मुझे इकतदार वापस करो या जो सो वन पॉइंट एजेंडा होंगी उ मामला तय थेणा पर यो जबरदस्त फैसलो है घट में घट अस सदाई जो सो पा खुद जो इन प्रोग्राम में यो चयो तो जैसे थोड़ी घनी भी सियासी सलाहियत या हो तो वो जो सो अना होडवारो जो सो है वो उन्हें पोजिशन ता वो लही अचे जो सियासत में लचक होंगी है मफामत होंगी है ये समूरी शयू होंगे तो हाँ वो जो रस्तों वरत है पा सभी के पा उन दुआ ही कर सकूँ था पा नेक ख्वाहिशन जो इजहार कर बिल्कुल इमदाद साहब अवां कीअं था ॾिसो बानी पीटीआई जो गालिन जे लाइ राज़ी थियण ऐं उनजे पुठियां कारण अवां खे कहिड़ा था नज़र अचनि ऐं नो डाउट जो ख़ुशि आहिनि त आहे ऐं वेलकम करणु खपे पर अॻु वक़्तु ज़ाया थियो हुयो देरि आहे दुरुस्त आहे पर हाणे जेको राज़ी थिया उनजा सबब अवां खे छा पिया नज़र अचनि नसीर साहब महिरबानी इब्राहिम कुमर साहब वारी ॻाल्हि आहे असां उनखे बेक तमाना आहिनि वेलकम कयूं था सुठी ॻाल्हि आहे ऐं कंहिं बि मुआशिरे में सियासी मसला हुजनि मुआशी मसला हुजनि कड़ा भी मसला हुजन उन्हें में अद भराई के लिए अवल आखर मुजाकरात की ई राह वी पवी पीटीआई जो फैसलो किया तमाम घो बेहतर फैसलो किया
इन वाल खबरू हन तो उन्होंने तो मुल्क के दरपेश जे संगीन मुआशी सियासी मामलात अदब इस्तेकाम उनके खत्म करण के लिए हर संजीदा फरीक पार्टी से गाल तैयार है। अलावा जो यो भी है असो तो खत लिखा सुप्रीम कोर्ट में उनमें मुतालबो किया उनको जो चोरी थियल इंतखाबी मैंडेट है उनके लफ्जन में वो वापस किया वजे नाई में जुडिशल इंक्वायरी समेत बया जे केस जिनके हु सियासी केस करार था दियन उनमें उन्हें फेयर ट्रायल जो मुतालबो किया सबब रियलाइजेशन भी सके तो असा के गाल घुर्जन गाल दरवाजो बंद न करण घुर्जे असा पॉइंट है तो असा सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से गाल सियासी धुर से गाल इन उन्होंने शदीद तनकीद के मुंह दियणो पो उन्हें रियलाइजेशन आई होंगी पर एक सबब नसीर साहब यो की सके तो जिन धुरन से वो गाल ख्वाहिशमंद सके तो उतने को दरवाजो या दरी या खिड़की का ओपन थी हुए उतना गाल बोलू थी हुजन उतना ही उन्होंने आसरो मिलो होता ही रस्त रसो वो होयासी धुरन से गल तो उत ही कुछ रियायत मिलद बहरहाल जो मामला होयासत में ये चार कदम अगते ब कदम पे बाकी पीटीआई जैसे यो फैसलो किया फैसले से कारबंद है इब्राहिम साहब के लफ्जन में हो ना लहे थी तो यह बेहतर गाल आजा कर घुर्ज जे सियासी पार्टियों हैं बेशमूल नून लीग पीपल्स पार्टी उनके वेलकम कर घुर्ज उनके सीरियस वन घुर्ज उनके माना उनको क्रेडिट भी दियण घुर्ज ये ना एकड़ी धुर गाल तैयार हो जाए तो वही ही अड़ा शर्त रखन या अड़ी गाल रखन तो जैसा वो वही मुश्तैल वही उन गाल टेबल का उथी ना वजन सही माजे साहब अवां के सबब केड़ा था नजर अचन या हिकमत अमली किए हुंदी जबरदस्त है यकीनन अवां भी उनके खुशाइंदी समझना हुंदा उनन जी कुछ मजबूरियां है ना मजबूरी के का बड़ी है उन तो उम्मीद जो के ना सुप्रीम कोर्ट को है ए सुप्रीम कोर्ट उनके एडवाइस कर चुकी है ता पॉलिटिकल पार्टी का ए एक तो यो वडो रीजन है उने के उनन के जवाब देनो यो तसा पॉलिटिकल पार्टी से गलेंदस ई गाल है के जो की पार्ट जो का तंजीम है के का जो इताद है उन्हें इताद जो सरबरा है अचन सही साहब अचन सही साहब के लिए ये मुश्किल है तो वही जोर से गल है गल है तो वो सफा माना उनके को रोक कौन पे मिले कैसा गल है अचन सही साहब के थोड़ो रूम मिली हुआ तो वो हाँ नवाज शरीफ से गल सो जलदारी साहब से मुलाकात कर सो पर मुझे जाती ख्याल है कामयाब हुजन हू तो चाहे पई तो इमरान खान दिखो तो नवाज शरीफ जी स्टेटमेंट दिनी है वह भी उनकी हुकूमत है शाहबाज शरीफ में उनफ्लेक्शन तो इन्हें जो केसिस केसिस सही तरीके से हलन इलाही अड़ा मानू आन जिन्हें केसिस से कूड़ा जो जगह से मौजूद को पर उ जेल में है तो ये चाहन था इन रूम मिले हि गाल दिखी तो इनके यहाँ उम्मीद है जो अज जो फैसलो पा डिस्कस भी किया पैनल वो केस जो इलेक्ट्रल ट्रिब्यूनल वो वो भी वापस उन्हें भी वा प्रॉब्लम्स आन छो तो वो 45 फार्म जैसे दियन को उनके जो वो इशू है में गाल साफ जाहिर है तो इन सुप्रीम कोर्ट में उम्मीदों तेरे सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने ओबलाइज जरूर किया है पर मुख्य लगे को इन अगत हली टॉक्स वो कैदा फ्रूटफुल सही।